इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर गेम्स नहीं बनते, यहाँ के जो डेवलपर्स है काफी हाई स्किल है लेकिन वो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, दूसरों के अंदर जाके जॉब कर रहे हैं, इसलिए गेमिंग कम्युनिटी क्यों नहीं बढ़ती आगे? अब हम, मैं, मेरा भाई मिलकर हमने गेम बना रहे, अकेला वर्क कर रहे इस गेम पे। तो भालो यहाँ पर मैं तुमको दिखाऊंगा कि गेम पर वर्क कैसे करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा कुछ इंजन है, तो भाई यहाँ पर, हाँ भाई ये पेड़ लगा ऐसे, क्या कहा ये पेड़ कहाँ से लाया? अरे वो तो पहले ही होता है, इसमें हमें कुछ थोड़ी बनाने की ज़रूरत होती है। हाँ भाई यहाँ पर थोड़ा वो पत्थर लगाना ऐसे, हाँ लगा लगा, कहा ये पत्थर कहाँ से लाया? अरे भाई कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सब पहले से ही मिलता है, और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमने गेम बनाया। समझ रहे हो? वो वैसा गेम नहीं है जो आप सोच रहे कि लो बजट हो, फोन के लिए आया हो, वैसा गेम नहीं, वो पीसी के लिए गेम है, काफी हाईली 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 ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, क्या कह सकते, बेस्ट गेम कह सकते हो उसे, हाईली ग्राफिक्स गेम है वो, उसमें ग्राफिक्स आपको अच्छे मिलेंगे, आपको अच्छे कंट्रोल्स मिलेंगे। हाँ हाँ भाई अच्छा हुआ इसने कंट्रोल दे दिया, वरना मैं अब तक तो वो GTA की गाड़ी है ना अपनी, वो मदरबोर्ड में ऐसी दो वायर डालता था और वो शॉर्ट सर्किट से अपने आप गाड़ी चल पड़ती थी। तो ज्यादा ज्यादा बंदों को पता चलेगा ना कि इंडिया गेम आ रहे हैं तो वो ज्यादा बाय करेंगे, तो इंडिया गेमिंग कम्युनिटी हाई लेवल पे जाएगी। क्या बात कर रहे हो, इंडिया में गेम खरीदते भी है? अरे जल्दी वो अपन का गेम्स वाले को फोन लगा, वरना इसकी वजह से तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अब इंडिया में बहुत गेमिंग आने वाली है। क्या बात कर रहे हो, अरे मॉर्टल भाई जल्दी स्ट्रीमिंग चालू करो, बहुत स्कोप है उसमें। इसमें इस गेम में मेन बात पता क्या है, इस गेम में मेड इन इंडिया आई है, ये इंडिया में बनाया गया। ओ भाई गेम मेड इन इंडिया है, अब तक तो मुझे लग रहा था कि भाई कोई नॉर्थ अमेरिका का बंदा मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। वो भी नॉर्मल इंडियंस गेम नहीं है कि आप फोन में खेल रहे हो अजीब सी ग्राफिक्स है, वो नहीं, ये पीसी गेम है, बहुत ही हाईली कंप्रेस पीसी गेम है। क्या कहा? बहुत ही हाईली कंप्रेस पीसी गेम है। ओ भाई ये पक्के डेटॉल के नशे है, मैंने कहा था सस्ते नशे मत करो। तो भाई और उनकी बहनों आप सभी का स्वागत है गेमिंग न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। मतलब यार आज तो रोस्ट न्यूज़ बोलना पड़ेगा। तो भाई लोग कुछ हफ्ते पहले मुझे इसके बारे में पता चला था, बट एज यू नो हफ्ते में एक बार ही यानी कि बुधवार को 3 बजे हमारा गेमिंग न्यूज़ का वीडियो रिलीज होता है, तो पिछले 2 हफ्ते तो ऑलरेडी बुक थे, इसलिए आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक और इंडियन गेम के बारे में जिसे करण जौहर ने नहीं बनाया है पर वो कलंक हो सकता है। तो यहाँ पर आज मैं जो कुछ भी बोलूंगा विथ फैक्ट्स बोलूंगा, विथ नो फैक्ट्स कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो कार्रवाई शुरू की जाए। तो उस गेम का नाम है लास्ट लैंड, सॉरी मतलब लास्ट लैंड। तो मैं इस गेम के बारे में क्या ही बोलूं यार। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमारे गेम डेवलपर्स बोलते हैं कि उन्होंने ये गेम बनाया है, पर क्या यह सच है? नॉट टोटली, बट उन्होंने ये गेम अरेंज किया है पर बनाया नहीं, मतलब समझाता हूँ यार। तो ये गेम इन्होंने अरेंज किया है क्राई इंजन में, जिसमें फार क्राई 3 जैसी गेम्स भी बनी है, तो इनके गेम को देखकर तुम्हें फार क्राई 3 की तो ज़रूर याद आई होगी यार। तो यहाँ पर इस इंजन की खास बात यह है कि इसमें एक ऑप्शन होता है जिसे हम कह सकते हैं सैंडबॉक्स, मतलब फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स बचपन में जो सैंडबॉक्स में रेत के किले बनाते हैं वैसा कंसेप्ट यहाँ पर कुछ है। इस ऑप्शन में हमें सारे एसेट्स जो है वो पहले ही अवेलेबल होते हैं, हमें बस उन्हें अरेंज करना होता है। ये जो फीचर है वो इंजन की तरफ से बिगिनर्स के लिए आता है, जिसमें बिगिनर गेम डेवलपर्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। और पहली बात ये लोग बोलते हैं कि ये गेम इन्होंने खुद बनाया है, मतलब गेम को इन्होंने ही सेट किया है, पर गेम बनाना और उसे सिर्फ सेट या अरेंज करने में बहुत डिफरेंस होता है। इस गेम में दिखाई दे रही एक भी चीज़ इन्होंने खुद से नहीं बनाई है, सब कुछ प्रीमेड एसेट्स है जो कि इंजन में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। पिछले हफ्ते के गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड में एनआरकी अपराइजिंग गेम के बारे में बात की थी, उसमें भी एसेट्स का यूज़ किया है पर एक हद तक, और जितने भी एसेट्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो उन्होंने अपने नाम पर लाइसेंस भी करवाए हैं। पर यहाँ पर बात कर ली जाए लास्ट लैंड गेम की, तो यहाँ पर सारे प्रीबिल्ड एसेट्स लाइसेंस करना तो दूर की बात है, इन्होंने क्राई इंजन को क्रेडिट्स तक नहीं दिए कि भाई इनकी मेहरबानी कि इन्होंने एसेट्स प्रोवाइड किए तभी जाकर हम गेम बना पाए। और इस तरीके से बनाए गए गेम को ये कमर्शियली सितंबर में रिलीज भी कर रहे हैं, मतलब भाई ये 2020 का एक और विस्फोट हो सकता है। और बात रही इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को बढ़ाने की, तो इस गेम की वजह से उसका कचरा ही होगा, मतलब जब तक लोग सोचेंगे कि ये गेम इन्होंने बनाया है तब तक ठीक है, पर जब लोगों को पता चलेगा कि इस गेम में अरेंजमेंट है सेटअप के सिवा 1 घंटा इन्होंने कुछ किया है तब क्या होगा, लोग तो बोल देंगे बड़ा हरामी हो बेटा।
तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं विथ फैक्ट्स बात करूंगा, तो ये रहा क्राई इंजिन के सैंडबॉक्स का प्रीव्यू। तो यहाँ पर ये थोड़ा पुराने वर्जन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो भाई तुम सोचो 2 साल पुराने में ही इतने एडवांस एसेट्स है, तो भाई नए वाले में क्या ही बवाल होगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि भाई चीज़ों को सिर्फ अरेंज करना होता है, बाकी सारे एसेट्स तो पहले ही अवेलेबल होते हैं, इसमें सिर्फ अरेंजमेंट का कष्ट उठाना पड़ता है, बाकी इतना कुछ इसमें मेहनत लगता होगा मुझे तो नहीं लगता। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं कि मैं मिस्टेक्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मिस्टेक्स होंगी वो भी उस इंजन की होगी, क्योंकि इन्होंने तो कुछ ज़्यादा काम किया नहीं, पर फिर भी आदत से मजबूर। तो यहाँ पर सबसे नोटिसेबल मिस्टेक्स है ये गन का फ्लैश, जो कि बंदूक के मुंह पर होना चाहिए ना कि हमारे स्क्रीन के ऊपर, मतलब एम करते वक्त एनिमी को देखिए कि उस गन के फ्लैश को, और इस बंदूक के आवाज़ को थोड़ा चेंज करना चाहिए, मतलब ये बंदूक का आवाज़ सुनने पर ऐसा लगता है कि चलती ऑटो में से अजय देवगन विमल थूक रहा हो। बोलो जुबा तीसरी। और तीसरी मिस्टेक जो कि इस 4X का साइज, बंदूक के साइज के हिसाब से इसका साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, पता नहीं ये मिस्टेक वो लोग सुधारेंगे कि नहीं, क्योंकि बंदूक और उस पर लगा स्कोप दोनों भी प्रीमेड एसेट है, उनको जो मिला वो उन्होंने चिपका दिया, मतलब कुछ देखना ही नहीं कि कौन सी चीज बड़ी हो रही है कौन सी चीज छोटी, बस उठाया और चिपका दिया, ऐसे ही तो बनते हैं गेम। तो भाई इतना कुछ रामायण महाभारत देखने के बाद भी तुम्हें मेरा ओपिनियन सुनने में इंटरेस्ट है, तो भाई तुम्हें एक तोफ की सलामी। वैसे 21 की भी दे सकता था पर खामखा वीडियो लंबी हो जाती। तो भाई यहाँ पर बात कर ले मेरी ओपिनियन की, तो गेम भले ही प्रीमेड एसेट से बनाई हो, सॉरी अरेंज की हो, फिर भी इतनी बुरी नहीं है। पर गलती कहाँ हुई पता है? ये लोग इस गेम को स्टीम पर कमर्शियली लॉन्च करने वाले हैं, मतलब इस गेम की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा गेम बेचकर ये लोग सरेआम पब्लिक का चूतिया काटेंगे। और रही बात इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की, तो ये गेम उस पर भी कलंक लगा सकती है, मतलब लेट मी एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो भाई यहाँ पर मैंने तोफ का 3D मॉडल कुछ हफ्ते पहले बनाया था। हाँ भाई तुम्हारा भाई एक छोटा मोटा 3D आर्टिस्ट भी है, तो मैंने इसका आउटपुट इमेज इंस्टा पे अपलोड किया, लोगों ने लाइक किया, तारीफ भी की। पर अगर मैंने किसी भी रैंडम आर्टिस्ट ने बनाए हुए 3D मॉडल का इमेज अपने इंस्टा पे अपलोड किया तो भी लोग तारीफ करेंगे, क्योंकि भाई लोगों को थोड़ी कुछ पता है। पर तब क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा, वो तो कहेंगे बड़े हरामी हो बेटा, मतलब उस दिन मेरा मार्केट से इज्जत खलास। लोग कहेंगे कि ये कहीं से भी इमेज उठाता है, खुद पोस्ट करके कहता है कि मैंने बनाया। पर यहाँ पर तो मैंने इमेज ढूंढी भाई, उसे अच्छा कैप्शन दिया, फिर उसे अपलोड किया, इतना कष्ट उठाने के बाद भी वो चीज़ मेरी नहीं। कुछ ऐसा ही इस गेम के साथ है, इस गेम को इन्होंने सिर्फ अरेंज किया है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि इसे कमर्शियली रिलीज करना चाहिए। और अब बात कर ले कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो भाई यहाँ पर डेवलपर्स 15 या 16 साल के बच्चे हैं, इस छोटी सी उम्र में इन्होंने ऐसा ही सही पर गेम अरेंज करने का सोचा है, यही बहुत बड़ी बात है यार। मुझे अब भी याद है जब मैं इनकी उम्र का था तो पूरी तरीके से सुजुका के प्यार में डूबा हुआ था, और रोज शाम को गांव के बाहर वाले मैदान पर जाके देखता था कि कहीं ओमनीट्रिक्स तो नहीं गिरी। जस्ट किडिंग बावलो, तुम्हारा भाई जन्म से ही मैच्योर था। जोक्स अपार्ट, तो ऐसा कुछ मेरा ओपिनियन था, और उन डेवलपर्स के सामने यार पूरी जिंदगी पड़ी है, तो उनके गेमिंग फ्यूचर के लिए मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, ऐसे ही गेम वो फ्यूचर में बनाए, नहीं कुछ अच्छे गेम्स बनाए, क्रैच से बनाने की कोशिश करे, उससे क्या होगा समाज में इज्जत कायम रहेगी। और हाँ यहाँ पर मुझे किसी को भी हेट नहीं करना था, इस वीडियो में तुमने जो कुछ भी देखा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करना था, दैट्स इट। और क्या भाई, मिलेंगे ऐसे ही एक गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड के साथ अगले बुधवार ठीक इसी समय पर 2:00 PM। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।